अटैचमेंट्स ऑफ मैंडिबल को देखते हैं तो जो ओब्लीक लाइन है हमारे पास मैंडिबल की, वहाँ पे किन किन मसल की ओरिजिन होती है? बक्सिनेटर, डिप्रेसर लेबाई इन्फीरियोरिस और डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस की। इंसाइसिव फोसा में ओरिजिन होती है मेंटेलिस और ऑर्बिकुलरिस ओरिस की। माइलोहायोइड लाइन में ओरिजिन होती है माइलोहायोइड मसल की। अपर जीनियल ट्यूबरकल में जीनियोग्लोसस और लोअर जीनियल ट्यूबरकल में जीनियोहायोइड मसल की ओरिजिन होती है। डायगैस्ट्रिक फोसा में एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक मसल की ओरिजिन होती है। और जो हमारे पास थर्ड मोलर टीथ होता है ना, जो थर्ड मोलर टूथ होता है, वहाँ उसके पीछे, उसके बिहाइंड ना, एक टीरिगो मैंडिबुलर राफे अटैच हुआ होता है। वहाँ पे किस मसल की ओरिजिन होती है? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल की। होल लेंथ ऑफ लोअर बॉर्डर, जो मतलब जो बेस है हमारे पास मैंडिबल की, जो होल लेंथ है ऑफ लोअर बॉर्डर, वहाँ पे हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया अटैच होता है। और एल्वियुलर मार्जिन, जहाँ पे हमारे पास सॉकेट थे टीथ के, वहाँ पे हमारे पास एल्वियुलर मार्जिन किससे कवर होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ से कवर होता है। ओरिजिन हमने पढ़ लिया था किन किन मसल्स का हो रहा है, मैंडिबल पे इंसर्शन भी देख लेते हैं। तो जो लोअर बॉर्डर है बॉडी का, वहाँ पे इंसर्ट होता है प्लेटिज्मम मसल। लेटरल सरफेस ऑफ रेमस, जो एक फ्लैट सरफेस थी, बाहर की तरफ जो सरफेस होती है, वहाँ पे मैसेटर मसल अटैच है। और पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ रेमस, इसी लेटरल सरफेस का पोस्टीरियर और सुपीरियर पार्ट पे पैरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है। लिंगुला, जो मैंडिबुलर फोरामन था, हमने याद है कि उसके ऊपर टंग लाइक शेप का एक प्रोजेक्शन थी एंटीरियर मार्जिन पे, उसको हमने लिंगुला कहा था। वहाँ पे स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट अटैच होता है। मीडियल सरफेस ऑफ रेमस पे, लेटरल सरफेस थी, यहाँ पे मीडियल सरफेस ऑफ रेमस पे क्या है? मीडियल टीरिगोइड मसल इंसर्ट होता है। और कोरोनोइड प्रोसेस पे टेम्पोरेलिस मसल और टीरिगोइड फोविया, ठीक है, जो के कोंडिलोइड प्रोसेस का, जो एंटीरियर सरफेस पे टीरिगोइड फोविया एक डिप्रेशन था, वहाँ पे लेटरल टीरिगोइड मसल इंसर्ट होता है। और लेटरल सरफेस ऑफ नेक, मतलब कोंडिलोइड प्रोसेस की जो नेक थी, उसकी लेटरल सरफेस पे लेटरल लिगामेंट ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होता है। मैंडिबल के फोरामन, मैंडिबल की नोच और ग्रूव में से क्या क्या स्ट्रक्चर पास करते हैं उनको देख लेते हैं। जो मेंटल फोरामन है, उसमें से मेंटल नर्व और मेंटल वेसल पास करती है। मैंडिबुलर फोरामन से इंफीरियर एल्वियुलर नर्व और वेसल गुजरती है। माइलोहायोइड ग्रूव से माइलोहायोइड नर्व और वेसल गुजरती है। मीडियल सरफेस ऑफ रेमस से लिंगुअल नर्व पास करती है। एरिया अबव एंड बिहाइंड द मैंडिबुलर फोरामन, मैंडिबुलर फोरामन के ऊपर से और पीछे से हमारे पास गुजरती है इंफीरियर एल्वियुलर नर्व एंड वेसल्स और मैक्सिलरी आर्टरी। मैंडिबुलर नोच में से पास करती है मैसेटेरिक नर्व एंड वेसल्स। मीडियल साइड ऑफ नेक ऑफ मैंडिबल, जो हमने कोंडोलाइड प्रोसेस पढ़ा था, उसमें एक हेड था और एक नेक, वहाँ से क्या, नेक में से पास करता है ओरिकलो टेम्पोरल नर्व और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मैसेटर मसल से हमारे पास पास करती है फेशियल आर्टरी। अब हम इसको भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास है मैसेटर मसल। मैसेटर मसल के एंटीरो इन्फीरियर ली हमारे पास क्या पास कर रहा है? फेशियल वेसल्स, ठीक है। ओसिफिकेशन ऑफ मैंडिबल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओसिफिकेशन दो तरह की होती है। एक होती है एंडोकोंड्रल ओसिफिकेशन, और इस प्रोसेस से जो बोन्स बनती हैं उनको कहते हैं कार्टिलेज बोन्स। और एक होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और इस प्रोसेस से जो बोन्स बनती हैं उनको हम कहते हैं मेम्ब्रेन बोन्स, ठीक है। अच्छा सब, अगर तो मेसेनकाइमल टिश्यू से पहले बनेगा कार्टिलेज और उसके बाद बोन बनती है तो उसको हम कहते हैं एंडोकोंड्रल। अगर मेसेनकाइमल टिश्यू से डायरेक्ट बोन बन रही है तो हम इसको कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। अब मैंडिबल जो है ना, वो सेकंड बोन है जो ओसिफाई होती है बॉडी में। फर्स्ट बोन कौन सी है? क्लेविकल, ठीक है। मैंडिबल के वो पार्ट जो ओसिफाई होते हैं इन कार्टिलेज में, मतलब एंडोकोंड्रल ओसिफिकेशन होती है, वो कौन कौन से हैं? इंसाइसिव पार्ट है, कोरोनोइड प्रोसेस है, कोंडोलाइट प्रोसेस है और अपर हाफ ऑफ द रेमस है, ठीक है। और
मैंडिबल के वो पार्ट्स जो ओसीफाई होते हैं इन मेम्ब्रेन में, मतलब इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होती है, वो कौन कौन से हैं? बॉडी और रैमस इन कंटिन्यूएशन विद बॉडी अप टू मैंडिबुलर फोरमन। मैंडिबुलर फोरमन तक, जहां तक रैमस आ रहा है मैंडिबुलर फोरमन तक, वो वाला पार्ट जो है वो रैमस का, वो भी ओसीफाई होता है इन मेम्ब्रेन में। अब ये बनता किस तरह है? तो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च का एक पार्ट है जिसका नाम है मैकल्स कार्टिलेज। ठीक है, मैकल्स कार्टिलेज की जो मीजन कैमल शीथ होती है ना, वो ईच हाफ ऑफ मैंडिबल को बनाती है। मीजन कैमल शीथ ऑफ मैकल्स कार्टिलेज ईच हाफ ऑफ मैंडिबल को बनाती है, और ईच हाफ ऑफ मैंडिबल में ना एक सेंटर होता है ओसिफिकेशन का। क्या होता है? ईच हाफ ऑफ मैंडिबल में एक सेंटर होता है ओसिफिकेशन का, जो कब अपीयर होता है? सिक्स वीक ऑफ इंट्रा यूट्रन लाइफ में। ठीक है, अब सिंफिसिस मेंटी क्या था? वो लाइन जहां पे दोनों हाफ, राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ मैंडिबल मिलते हैं, वो लाइन को हम कहते हैं सिंफिसिस मेंटी। स्टार्टिंग में क्या होती है? ये फाइबरस शीथ होती है, बोनी नहीं होती, लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में जाकर ये सिंफिसिस मेंटी क्या बन जाती है? बोनी। अब जो स्ट्रक्चर है ना मैंडिबल का, वो वेरीज करता है विद द एज। चाइल्ड में जो एंगल बनता है मैंडिबल का वो 140 डिग्री होता है, एडल्ट में जाके 120 और 110 हो जाता है, और ओल्ड एज में जाके वो दोबारा से कितना हो जाता है? 140 डिग्रीज हो जाता है एंगल। ठीक है, ये हमारे पास मेंटल फोरामेन है। चाइल्ड में मेंटल फोरामेन लोअर बॉर्डर जो है मैंडिबल के उसके करीब होता है, एडल्ट में जाके ये मेंटल फोरामेन एल्वियुलर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर के मिड में आ जाता है, और ओल्ड एज में जाके एल्वियुलर सॉकेट जो है वो हमारे पास सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, दांत सारे टूट जाते हैं, तो फिर से ये मेंटल फोरामन क्या करता है? ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और ये कहाँ पर आ जाता है? एल्वियुलर बॉर्डर के करीब आ जाता है। बस।